पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बीट व्यवस्था प्रणाली और सशक्त कराए जाने हेतु निर्गत निर्देश के क्रम में आज थाना बिल्हौर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बिल्हौर द्वारा संबंधित कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर बीट वितरण प्रणाली से संबंधित योजनाओं को शामिल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और जो जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 बीट प्रणालियों का संचालन हुआ, उसी के संबंध में सर पूरी बात किस तरीके से जो आज बीट प्रणाली है उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या है मामला? ये बीट की पुलिसिंग, बीट बेस्ड पुलिसिंग एक पुराना कंसेप्ट था, उसको प्रभावी तौर पर हमारे डीजीपी महोदय ने उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए शुरुआत की है। उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं और शुरू में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 100 थाने चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कानपुर नगर में 2 थाने चिन्हित किए हैं, एक देहात का बिल्हौर आपका और एक शहर का कोतवाली। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है और ये कल 15 तारीख से आगे लगभग 2 महीने तक यहाँ पे बीट बेस्ड पुलिसिंग कराई जाएगी और उसका प्रभाव देख करके और उसको कैसे कराना है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकते हैं, इन सबको देख करके फिर 2 महीने बाद इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा सभी थानों में। तो इसमें बीट बुक भी इनकी तैयार करा दी गई है, वो भी इन लोगों को कल से मिल जाएगी। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो अभी थाना सेंट्रल पुलिसिंग थी उसको हमें थाना के और छोटे क्षेत्र में ले जाकर के इंटेंसिव पुलिसिंग, बीट बेस्ड जी सर, ये कॉन्सेप्ट है कि बीट एक छोटा एरिया होगा, उस छोटे एरिया में जो भी चीजें थाना स्तर पर होती हैं वो अब उस छोटे स्तर पर होंगी, तो और अधिक अच्छे से आम जनता की जान माल की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था बनाए रखने की, अपराधियों पर नजर रखने की ये स्थितियां और बेहतर होंगी। साथ ही में जो हमारे ये नवीन गैजेट्स आए हैं, एप्स आए हैं, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग हुआ है, वो विभिन्न ऐप के माध्यम से हमारे सभी सिपाहियों तक के